खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां AANTF यूनिट और रामपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चरस तस्कर के कब्जे से 1 किलो से अधिक चरस भी बरामद किया है। इसके तहत ही SPCT मनोज कत्याल ने बताया कि रामपुर रोड पर झा कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार चरस तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। वही जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो घेराबंदी कर आरोपी तस्कर को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक नशा तस्कर से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये लगातार क्षेत्र में अवैध रूप से चरस की बिक्री की सूचना आ रही थी, तो हमारी टीमें काफी समय से इस प्रकरण में काम कर रही थी, लेकिन इसमें जो है एक बड़ी सफलता हमारी टीम को मिली इसमें, और इसमें पर्यवेक्षण जो है ASP मैडम जो रुद्रपुर हैं वो कर रही थी, और साथ में इंस्पेक्टर धीरेंद्र जो रुद्रपुर कोतवाल हैं, और साथ में SOG के इंस्पेक्टर संजय पाठक, ANTF के कौशल भावनी, इनके नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी। तो इनको एक बड़ी सफलता इसी दौरान मिली जब हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिससे हमने 1 किलो 10 ग्राम अवैध चरस हमने बरामद की है, और इस बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो अवैध नशे की समस्या है उसको अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी, और इसमें हमारी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए ये हमें सफलता इसमें मिली है, और पूरी टीम को SSP सर के द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है, और हम इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ से ला रहा था, कहाँ को ले जा रहा था, किसे बेचने वाला था। इसमें एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने अरेस्टिंग की है ये शंकर पुत्र दीवान सिंह जो है, इसका रियल ब्रदर जो है पहले भी एक चरस की बड़ी क्वान्टिटी में पकड़ा जा चुका है, तो ये इनके फैमिली की